मैं तो झाड़ू पोछे लगाओ जाती हूँ। हमको पता है बेटा कितने टाइम लगेगा। तो हम और शेयर आज भी ना मटर छीलने का रेस लगा रहे हैं, तो देखते हैं कौन कितना जीतता है, कितना छीलता है। तो छीलते से ही अंदाजा मिलेगा कि कौन कितना छीलता है और किसका कितना जल्दी हाथ चला है। ठीक है, ले जाएगा। तो हम और श्रेया देखते हैं। श्रेया स्टार्ट कैसा चिन्ह। हाँ उसे में रखे जाओ तो नहीं पता तो चलेगा ही नहीं। ठीक है नीचे रखते हैं। ठीक अब तो नीचे रख दिए हैं। छत में है जो कपड़ा धोना है बेटा निकाल लो। अब ना धो तो हम धोएंगे। धुल चुका आज तो कल बोले तो धोएं जाए आना धोए तो। क्या देखो तैयार श्रेया दिखा रही है कुछ पैकिंग दे। फिर हो कभी आपने सुना है कि आटे से भटूरा बनता है? बनता है कि नहीं बनता आप लोग बताइएगा कमेंट करके। लेकिन नहीं बनता है तो कोशिश करना तो जरूरी है ना, ताकि हम भटूरे से भटूरा बना सके। कहने का मतलब मैदे से। अरे वही मैं बता रही हूँ, कहने का मतलब हम मैदे से भटूरे ऐसा कुछ करें कि हम मैदे से जैसे कहने का मतलब मेरे पास आटा है और मुझे भटूरा बनाना है और मेरे पास मैदे के पैसे नहीं हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? आटे से भटूरा बनाना चाहिए या फिर मैदे को लेना चाहिए? तो मैदे के लेने के लिए मुझे क्या करना चाहिए ये कमेंट आप लोग करिएगा। ठीक तो रेस में से रेस भाई वो बात है ना, जब हमारे पास पैसे होंगे तब ना खरीदेंगे। तो हमें पैसे के मैदे लेने के लिए क्या करना चाहिए? मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे के बिना मैदा मिलेगा नहीं, फिर हमें भटूरा खाना छोड़ देना चाहिए या भटूरा बनाने के लिए हमें मैदे की व्यवस्था करना चाहिए? दो वो है ना, या तो फिर हम उम्मीद उसका पूरा छोड़ दूँ कि मुझे भटूरा खाना नहीं है। आटे से भटूरा तो बनेगा वो नहीं बनेगा बन जाएगा, क्यों नहीं बनेगा? पूरी बनेगी आटे से, भटूरा तो मुश्किल है। तो क्या हुआ? तो वो तो पूरी को बड़ा कर दो बन गया भटूरा। तो बड़ी पूरी तो बनती है वैसे भी। कौन सा भटूरा हमेशा फूला ही रहता है? तो फिर कहने का मतलब ये है कि आटे से भटूरा बनाना तो फिर आप क्या बन सकता है? हाँ तो बन सकता है, तो बन सकता है तो भटूरा बनना है ना, तो भटूरे के लिए हमें क्या चाहिए वो तो आप समझ रहे हो। तो हमें तो मैं जीतने की रास्ते पे हूँ। आई नो मैं अभी तक फोन चला रही थी। तो क्यों चला रही थी? जब हम लोगों में रेस लगी कि मटर कौन जीत पाएगा तो क्यों फिर करी? तो श्रेया तो हारने वाली है और मेरा छिलका गिनोगे कैसे? काउंट करोगे? गिनना तो बहुत कठिन काम है, तो कैसे काउंट होगा? क्यों गिनना काउंट? क्यों गिनना प्रॉब्लम है?
कितना प्रॉब्लम है इसमें, कौन इतना टाइम वेस्ट करे, देख के बता दो। हाँ तो वही तो, फिर देखते हैं किसका छिलका ज़्यादा है। ये तो पहले भी मेरा छिलका मैंने सुबह में मॉर्निंग में और शाम को मैंने छीला था वो है, और जो अभी छीली हूँ उसका छिलका ये है। तो श्रेया पहले से छील रही थी, तो छिलका तो आपके पास पहले से था। अब देखो ये मत कहना कि मैं चीटिंग कर रही हूँ, चीटिंग इसलिए नहीं कर रही हूँ कि मेरे हाथ को रुक नहीं रहे हैं, तब ये सोचो कि जीतना किसको है। मटर का अंदाजा नहीं है, मटर को हम बाद में भी उठा लेंगे। तो जो खराब है उसको मत रखो। और ये काउंट करेंगी श्रेया, क्योंकि मैं करूंगी तो कहूंगी कि मम्मी चीटिंग कर ली, इसलिए मैं श्रेया को तो छोड़ देंगे कि कौन काउंट। देखो क्या क्या डाले पड़ी हो, क्यों कुछ गया उसमें? नहीं ऐसा नहीं है, गलती से गया भी होगा तो हटा लेंगे। तो फाइनली यहाँ पे मटर जो है ये खत्म हो रही है, छिलके जो है बढ़ रहे हैं। तो देखते हैं पांच एक्स्ट्रा होंगे तो मैं नहीं मानूंगी। तो आप काउंट करोगे क्या? एक अंदाजा होगा ना, आप काउंट करोगे क्या? आपके पास पहले भी था। चलो काउंटिंग कर लेते हैं, ठीक है कर ना, क्योंकि इससे पता नहीं चलेगा, ऐसे तुम हार मानोगे नहीं। तो भाई इसकी काउंटिंग मुझे याद आ रही है कि वो बिजनेस, हाँ बिजनेस। अब बिजनेस ही समझ लो, ये छिलका मैंने रात में मैंने वो किया था, और ये मैं अभी मॉर्निंग में और रात में, और इसमें मैंने एक दो डाला था तो ये गिर गया, तो किसको हटा ही देते हैं। तो चलो काम करना शुरू करते हैं। तो पहले चार गलत नहीं, इसमें डाल रहा है पाँच पाँच और दस दस पंद्रह बीस पच्चीस तीस चौबीस पच्चीस छब्बीस तीस सत्ताईस अट्ठाईस तीस पैंतीस हाँ बत्तीस पैंतीस चालीस बोलो चौतीस चालीस पैंतीस छत्तीस सैंतीस पैंतालीस छियालीस दस मैं गलत हो गया, मेरा 45 ये बोल रहा था दिमाग में, 55 समथिंग था या और ही होगा। हाँ तो मेरा भी था, मेरा पता है पागल, मैंने 45 बोला फिर 46 बोला फिर 5 उसको रखती तो 50 हो जाता, उसके बाद मेरा ढेर सारा बचा था जो फिर उठा के रख दी अपना रखा दो मैंने, फिर उसके बाद ना फिर मेरा बटर इकट्ठा करो, मैं जीती, मैं आई एम विनर, आई एम विनर, चीटिंग सुन लिए तुम्हारी सुन लिए कि चक्कर पता बढ़ा दिया था यार। उधर वो शर्ट पहन था उसको तुम ना जरे जैकेट वगैरह है सॉक्स वहाँ पे निकाल दिए थे प्रिंस, सॉक्स निकाल दिए थे कौन बेवकूफ, मेरा कमरे में दरवाजा खुला छोड़ा था, मैं ही बेवकूफ हूँ, जाओ छत पे, हाँ छत पे दो बार रखा लाग दे देना हूँ, ये लो इसको रख लो, कौन छत का होगा गमले में डालेंगे उससे कंपोस्ट खाद बनेगी, उससे से जो हरी है वो आवाज वो चराए दी हो, अरे उसको नहीं गमले में जरूर, तुम्हें क्या समझ में आता है, वो ना तो गबड़ा गबड़ा जाते शाम तक वो वैसा ही है। अरे मार मुझे एक मुंह, देखो हो रही है भाई बहन में लड़ाई, और अभी हमें लगा झाड़ू लगाना है, मम्मी देखो मैंने
तो देखिए यहाँ पे हमने उतना झाड़ू लगाया है तो भाई बहन में हो रही है लड़ाई और हम लोगों की मटर छिल गई है। तो इतना सारा चीज है जो मुझे हटाना है। तो चलिए हम नेक्स्ट ब्लॉग में फिर से मिलते हैं। तो पहले देखिए हो रही है लड़ाई। अच्छा चलिए हम यहाँ तक ही झाड़ू लगा भी लेते हैं और क्लीनिंग ब्लॉग भी हो जाएगा शेयर आप लोगों के साथ। और मेरा तो मैंने पूरे घर में जो है झाड़ू लगा लिया है। प्रेस पापा धुलेंगे तुम्हारे कपड़े शर्ट पैंट, तो क्यों धुलने लगते हो एक ही चीज के? पता है मम्मी, मैंने 2 घंटे से जब चार्जिंग में, 1.5 घंटे से चार्जिंग में लगाया है और इसका प्लग आधा निकल गया था। क्या निकल गया? प्लग आधा। तो हुआ नहीं हुआ? 18% बैटरी का। 18% बैटरी हुई थी। आप कितनी है? उतनी ही है, मतलब हुआ ही नहीं। तो होगा कैसे? तो मैंने अभी मुझे किचन और कमरे की साफ सफाई करनी है तो मैं यहाँ पे इतना लगा ली हूँ और उसके बाद सेवा लगाएंगी। पूछा तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।